आगे बढ़ने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज 28 अप्रैल 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। एजुकेशन भास्कर भास्कर गाइड 2030 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आरपीएससी रीट एवं कर्मचारी चयन बोर्ड। राजस्थान जीके विशेष सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जॉब अलर्ट दिल्ली डीडीए भर्ती 2020 अंतिम तिथि में चंद दिन बाकी, नई भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020। प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा भी स्थगित, दो परीक्षाएं पहले टाल चुका है आयोग। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 एग्जाम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर नवज्योति। अब कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं, आरपीएससी कैलेंडर। अंग्रेजी विषय के लेवल 2 के 826 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दे रही है सरकार। रीट 2016 का मामला, 2 साल से नियुक्ति का इंतजार। रीट शिक्षक भर्ती 2016 एवं 2018 सीकर भास्कर। सीकर भास्कर एसएससी द्वारा अभी तक कमेटी गठित नहीं करने के मुद्दे पर छात्रों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया। छात्रा ने वीडियो डालकर पूछा, काल्पनिक नाम व पता लिखकर क्या गलत किया? केंद्रीय मंत्री ने जवाब नहीं दिया। राज्यसभा सांसद ने कहा, छात्रों की गंभीर समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए। एसएससी सीकर भास्कर। निदेशक ने मांगी सूचनाएं, दिए निर्देश, छात्रवृत्ति के लिए आवंटित होगा बजट। बीकानेर राजस्थान पत्रिका शिक्षा विभाग। बीते साल हुई थी पीटीआई की नियुक्तियां, अभी तक एक बार भी नहीं मिली पगार। कोरोना से बचाव में लगे नव नियुक्त शारीरिक शिक्षक वेतन को तरसे। बीकानेर राजस्थान पत्रिका शिक्षा विभाग। जो परीक्षाएं हो चुकी विश्वविद्यालय उनके परिणाम जल्द जारी करेंगे, कुलाधिपति के सचिव ने वीसी में दिए निर्देश। अजमेर नवज्योति। जेडब्ल्यू मेन जून और एडवांस जुलाई में करवाने की तैयारी, जयपुर नवज्योति। विश्वविद्यालय पहले तो ई लर्निंग पर गंभीर नहीं रहा, अब राजभवन के निर्देश पर जागे, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर नवज्योति। राजस्थान में पहली बार 13,500 विद्यार्थियों ने दी ऑनलाइन परीक्षा, जयपुर एवं जोधपुर नवज्योति। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त अनिल कुमारी घर पर मास्क बनाकर रही वितरित, नवज्योति जोधपुर। व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एमबीए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण, जोधपुर नवज्योति। कॉलेजों में 30 मई बाद भी रह सकता है लॉकडाउन, संबंध 175 कॉलेजों को ऑनलाइन करना बड़ी चुनौती, उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नवज्योति। शिक्षा मंत्री ऑनलाइन शिक्षा को लेकर देंगे सुझाव, जयपुर गोविंद सिंह डोटासरा नवज्योति। अब कक्षा 6 से प्रदेश में अब कक्षा 6 से 9 तक नया सिलेबस, एनसीईआरटी किताबों की छपाई का काम जारी, जयपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 नवज्योति। 10 मई को होने वाली पीटीटी परीक्षा स्थगित, जयपुर नवज्योति। लॉकडाउन खुलने के बाद हो गई नई तिथि की घोषणा, अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका। विद्यार्थियों को गृह जिलों के लिए किया रवाना, जयपुर नवज्योति। शेष बोर्ड की परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग से करवाने को अलग होगी बैठक व्यवस्था, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने जिलों से केंद्रवार मांगी रिपोर्ट,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम भास्कर नागौर शिक्षक ने कोरोना पर शोध के लिए देहदान की पेशकश की। उदयपुर वाटी झुंझुनू शिक्षक मिठू राम राठी प्रधानाचार्य व फार्मासिस्ट ने की देहदान की घोषणा। कोरोना टीका परीक्षण के लिए देहदान की पहल धोरीमन्ना भास्कर बाड़मेर शिक्षकों ने स्थगित वेतन के भुगतान की रखी मांग। बांसवाड़ा शिक्षा विभाग भास्कर महंगाई भत्ता रोकना कर्मियों पर अत्याचार भदौरिया श्रीगंगानगर राजस्थान शिक्षक संघ भास्कर विद्यार्थियों को करवाई जा रही है ऑनलाइन की तैयारी श्रीगंगानगर भास्कर कोरोना अप्रैल के वेतन में मिलने वाले 15 दिन के लीव एनकेशमेंट पर रोक जयपुर राजस्थान सरकार भास्कर वीएमयू मई में आएंगे परिणाम जयपुर वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा फॉरेंसिक अकाउंटिंग पर शुरू किया ऑनलाइन कोर्स जयपुर भास्कर पीमेट अप्लाई की डेट अब 5 जुलाई तक बढ़ी जयपुर सिटी रिपोर्टर वर्क फ्रॉम होम एचओडी के साथ डायरेक्टर भी कर रहे रिसर्च स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए हर रोज कर रहे क्यूज कंपटीशन जयपुर यूजीसी विश्वविद्यालय के लिए जारी होगी एडवाइजरी कोटा भास्कर बोर्ड एग्जाम्स स्कूलों में बने कोरोना शेल्टर होम लॉकडाउन के बाद भी परीक्षाएं करवाने का संकट बरकरार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2020 अजमेर भास्कर सीबीएसई की शेष परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद होगी नई दिल्ली भास्कर तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।